everyone, this is Shilpi Kanchan. इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी कि कैसे मैंने 173 मार्क्स स्कोर करे SSC CGL Prelims 2020 में, और इसके साथ ही मेरा जो टोटल स्कोर बन रहा है CGL 2020 में वो है 562, और इसके अलावा जो CGL 2021 मैंने ऑब्वियसली जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता, हम लोग एग्जाम्स देते रहते हैं, तो CGL 2021 में अभी तक यानी कि आफ्टर टायर 2 मेरा स्कोर बन रहा है 529.75। सो मैं आप लोगों के साथ में पर्टिकुलरली इस वीडियो में प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगी, क्योंकि अब हमारे पास में काफी कम टाइम बचा हुआ है आपके CGL 2022 के लिए, जो कि प्रिडिक्टेड है कि दिसंबर में होगा। सो उसको लेके आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बिना देरी करें वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले व्हाट आई थॉट कि मेरे बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, सो दैट आने वाले वीडियोस में देयर इज नो कंफ्यूजन एंड वी आर ऑन द सेम पेज। सो मैंने इलाहाबाद बैंक में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर काम करा है। उसके बाद 2017 में मेरा सिलेक्शन हुआ था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। सो वहां पर एज एन असिस्टेंट मैनेजर मैंने अपनी जो सेवाएं हैं वो प्रदान करी हैं बैंक को। इसके अलावा मैंने MPIDC मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में असिस्टेंट के तौर पर भी काम करा है। फिर मैंने CGL दिया। CGL 2019 में मेरा 18 नवंबर का शिफ्ट था और मेरा उस CGL में सिलेक्शन नहीं हुआ। आने वाले एक वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करना चाहूंगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ऐसी कौन सी गलतियां करी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सो CGL 20 वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट और इसमें मेरे 562 मार्क्स बने हैं, और वही CGL 2021 जिसका प्रीलिम्स हुआ था आपका अप्रैल में और मेंस हुआ है अगस्त में, सो उसमें मेरे 529.75 मार्क्स है 600 में से, और अभी हमारा टायर 3 जो होता है उसका रिजल्ट आना बाकी है। इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शिल्पी कंचन 28, तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस होती है, करंट अफेयर्स होते हैं, वो हम लोग पोस्ट करते हैं। साथ ही साथ जो भी नए एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आते हैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं कि आगे किस तरीके से प्रिपेयर करना है जिसके लिए आप लोग यहाँ पर हो। सो ये मेरा स्कोर कार्ड है, क्योंकि कई लोगों को काफी डाउट हो जाता है कि जो टीचर बता रहा है या फिर जो भी बंदा यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है वो सच बोल रहा है या नहीं। सो शिल्पी कंचन ये मेरा रोल नंबर है 600600530309। प्रीलिम्स में 173.14 मार्क्स है, देन मेंस में क्वांट में 146.5, इंग्लिश में 186.5 और रिटर्न में 56 मार्क्स है। ओके, सो ये टोटल आपका 562 हो रहा है। आगे देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो मेरा प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड है वो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके पुट करा है। इतना अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं आ पाया इसलिए जो मार्क्स हैं वो मैंने अलग से लिख दिए हैं। ये प्रीलिम्स की बात हो रही है 2020 की। सो GS में मेरे आए हैं 18.5 मार्क्स, जो कि बहुत कम है, लेकिन GS जिन्होंने पहले से पेपर देखा है या फिर दिया है उन्हें पता होगा कि कितनी टफ आती है। उसके अलावा रीजनिंग में 45 मार्क्स हैं, क्वांट में 47.5 मार्क्स है, और वहीं पे इंग्लिश में है 50 में से 50 मार्क्स। सो एक वीडियो आएगा जिसमें मैं सिर्फ इंग्लिश का पर्टिकुलरली डिस्कस करूंगी कि 50 में से 50 मार्क्स प्रीलिम्स में कैसे आए और इसके अलावा मेंस में 186.5 कैसे आए। सो ये हम लोग उसमें बात करेंगे। यहाँ पर जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो है 173.5। ओके, सो देखिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो उन लोगों को एग्जाम पैटर्न तो डेफिनेटली पता होगा कि क्या है। आप लोगों के 25 क्वेश्चंस आते हैं ईच, चार सब्जेक्ट्स यहाँ पर होते हैं, कौन कौन से। सो पहला हो गया GS, देन हो गया आपका इंग्लिश, फिर हो गया आपका मैथ्स, और लास्ट में आता है आपका रीजनिंग। सो ये चार सब्जेक्ट हैं जिनका आपको पेपर दिया जाता है। हर क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं प्लस 2 और माइनस 0.5, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन के 200 मार्क्स होते हैं, ठीक है, यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का, और अगर आप गलत करते हो तो आप लोगों को माइनस 0.5 मार्क्स जो है वो अवॉर्ड किया जाता है। सो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे कि मैंने किस तरीके से प्रिपेयर करा। सो मेरा जो फेवरेट है वो इंग्लिश है, तो हम लोग इंग्लिश से ही शुरू करते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की। देखिए इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके CGL एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यदि हम बात करें टोटल आपका 700 मार्क्स का पेपर होता है तीनों ही अगर हम टायर्स को मिला दें तो। सबसे पहले प्रीलिम्स में 50 नंबर की इंग्लिश आती है, फिर मेंस में आपके 200 नंबर की इंग्लिश आती है। साथ ही यदि आप लोग इंग्लिश में ही टायर 3 भी अटेम्प्ट करोगे तो ये 100 नंबर का आपका टायर 3 हो गया। सो आप देख सकते हो 350 मार्क्स जो आपके हैं वो इंग्लिश के हैं आउट ऑफ 700 मार्क्स,
यानी कि यदि आप टायर थ्री भी इंग्लिश में लिखते हो तो 50% जो आपका सीजीएल का पेपर है वो इंग्लिश पे बेस्ड है। सो यदि आप लोग इंग्लिश की अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, उसे अपना फोर्टे बनाते हो, देन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप सिलेक्ट हो जाओ। ओके, अगर आप लोग टायर थ्री हिंदी में भी लिखते हो तब भी 250 नंबर का टोटल जो है वो आप लोगों का इंग्लिश का वेटेज है और वही सेम वेटेज आपका मैथ्स का है। तो इसी से ही ये दोनों सब्जेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर टू सब्जेक्ट्स, रीजनिंग एंड जीएस। ओके, सो इंग्लिश में काफ़ी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को तीन सेक्शंस में बांट सकते हैं हम इंग्लिश को, जैसे कि वॉकेब, देन ग्रामर एंड देन रीडिंग। वॉकेब में क्या क्या आता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, इडियम्स, फिर उसके बाद एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। इसके अलावा यहाँ पर स्पेलिंग्स भी आ जाती हैं। सो मैंने इन चीज़ों को कैसे प्रिपेयर करा कि जो भी मॉर्निंग का टाइम होता था मेरा, वो सबसे पहले डेडिकेटेड होता था अपने वॉकेब सेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ रोट लर्निंग चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं होता। ऑल दो वर्ड्स को अगर आप समझ के याद करोगे देन डेफिनेटली दिस इज मच मोर हेल्पफुल फॉर यू एंड इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल ऑल्सो। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो याद ही तो करना है ना, समझ भी लोगे तब भी आपको याद करना है, उसको रटना है। सो सुबह का जो टाइम है वो मैंने अपना रखा हुआ था कि मुझे ये वाला जो वन वर्ड है, इडियम्स हैं, ये याद करने हैं। किस तरीके से याद करती थी कि 10 या 20 ले लिए, 20 वन वर्ड याद करने हैं, 20 इडियम्स याद करने हैं, 20 एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद करने हैं, तो ये अपने 80 वर्ड्स हो गए। अब क्या होता था, चूंकि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश से ही है, मैंने जो ग्रेजुएशन है वो भी लिटरेचर में करा है, तो 20 में से या फिर हम टोटल 80 मान ले, 80 में से लगभग 30 से 40 ऐसे होते थे जो मैंने ऑलरेडी पढ़े हुए होते थे, तो फिर याद करने की चीज़ें थोड़ी कम हो जाती थी। अगर आपके साथ में ऐसा नहीं है देन ऑब्वियसली कोई घबराने की बात नहीं है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये इतना टफ नहीं होता है कि आपको कोई इंग्लिश में मास्टर्स चाहिए या फिर ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। दिस इज़ जस्ट अ प्लस पॉइंट फॉर मी, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता देन ऑल्सो इट्स फाइन। अच्छा, अब स्पेलिंग्स को अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ते हो तभी आप लोग जो वही स्पेलिंग्स होती है उन्हें याद करो। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ कॉमेमोरेट की स्पेलिंग क्या होती है, इसको आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और प्लीज़ इसको लिखना जिससे कि आपको खुद को पता चले कि आपको आती है स्पेलिंग या फिर नहीं आती। साथ ही साथ अकोमोडेट की स्पेलिंग भी आप लिखना, ठीक है, कॉमेमोरेट एंड अकोमोडेट, एंड सी के आप लोग सही लिख पाते हो या फिर नहीं लिख पाते हो। देन सेकेंड सेक्शन आता है ग्रामर का, ग्रामर में एरर डिटेक्शन आता है, देन वॉइस एंड नरेशन आते हैं, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं। सो देखिए किस तरीके से करना है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर आप लोगों को फोकस करना है। ये टॉपिक्स ऐसा ज़रूरी नहीं है मैं ही आपको बता रही हूँ, आप लोग अगर कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर दोगे तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। फिर उसके अलावा रीडिंग में क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल आते हैं। प्रीलिम्स के एग्जाम में आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन नहीं आता, लेकिन मेंस में आता है। सो ज़रूरी है कि आप लोग इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, सो अब मैं बात करूंगी वॉकेब में मैंने किन किन चीज़ों को फॉलो करा। सबसे पहले नीतू सिंह मैम की जो बुक है वॉल्यूम 1, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिंगल मोस्ट हम बात करें इंग्लिश के लिए किस बुक की ज़रूरत है आप लोगों को एसएससी सीजीएल क्लियर करने में, देन नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 बुक जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक में से मैंने जितने भी मेरे कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर करे। पहले हम वॉकेब देखते हैं फिर ग्रामर देखेंगे, तो ग्रामर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। सो यहाँ से मैंने वॉकेब करा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को वर्ड जो है काफी सारे मिलेंगे, लगभग 1 to 2000, 1K to 2K वर्ड्स आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, साथ ही साथ में स्पेलिंग्स की भी एक्सरसाइजेस पीछे दी हैं, तो आप लोग वो भी कर सकते हो वहीं से। और इसके अलावा आप लोगों को इडियम्स भी दिए हैं, और इडियम्स के भी दो अलग अलग चैप्टर हैं, तो आराम से वहां से ये सब कवर हो जाएगा। सो आप लोग ये कोशिश मत करना कि अगर आप शुरू कर रहे हो और सीधे 10 बुक्स खरीद ली और सबको कवर करना है, बिकॉज सब में 19-20 का अंतर होता है, चीज़ें वही आती हैं, वही क्वेश्चंस आते हैं। सो कोशिश करना कि एक बुक लो, अगर आपके पास ये बुक नहीं है, एसपी बख्शी सर की बुक है या फिर ब्लैक बुक है तो वो भी फाइन है, फिर आप इस बुक के पीछे मत भागना, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। इसके अलावा जो सेकेंड चीज़ है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि इंग्लिश में पर्टिकुलरली ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा पीछे ना जा पाओ देन ऑल्सो इट्स फाइन। जब से TCS वेंडर बना है SSC का, तब से जो क्वेश्चंस हैं वो भी अगर हम लोग कर लें तो बहुत सफिशियंट रहते हैं। 2018, 2019, 2020, 2021 इसके आपको CGL भी करना है, CHSL करना है, CPO करना है, जितनी भी शिफ्ट आई हैं। अगर प्रीलिम्स में लेट्स से 2019 के प्रीलिम्स में अगर मान लो 20 शिफ्ट भी थी, मैं एक अंदाज़ा बोल रही हूँ, अगर 20 शिफ्ट थी
तो आपको उनके पेपर लगाने हैं, वहां से आप लोगों को वॉकअप भी करनी है, ग्रामर भी करनी है, रीडिंग पोर्शन करना है, फिर मेंस के 3 सेट हुए थे तो आपको वो भी पूरा पूरा करना है। देन इसी तरीके से सिमिलरली CHSL में भी जो आया है वो करना है, CPO में आया है जो वो करना है। तो क्या होगा, जब आप ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होगे, देन आपके 80-90% क्वेश्चंस वहीं से ही कवर हो जाते हैं। कुछ जो 10-1% क्वेश्चंस हैं वो या तो आप लोग कहीं ना कहीं जैसे कभी न्यूज़पेपर रीड कर लिया तो वहां से मिल जाएगा, या फिर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है लैंग्वेज के प्रति, तो आप वहां से उन क्वेश्चंस को टिक कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद यदि आप लोग एकदम बिगनर हो और आप लोग आपको लगता है कि आपको 2022 का नहीं इसके आगे का एग्जाम देना है, तो आप वर्ड पावर मेड इजी को भी रेफर कर सकते हो। लेकिन इसको अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाए, तो पढ़ने से ज्यादा अच्छा है अगर आप वीडियोस देख सकते हो तो वो देख लो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है रूट वर्ड से चीजों को आपको सिखाया जाता है। जैसे एंड्रो है, सो एंड्रो से आपका क्या बन रहा है, एंड्रो एंड्रोगैमी, एक सेकेंड, जैसे आप लोग हम ले लेते हैं एक वर्ड जिनी, सो ये वाला जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं यूज होता है वुमेन से रिलेटेड चीजों के लिए, इसलिए गायनोकोलॉजिस्ट होता है वो वुमेन डॉक्टर को हम बोलते हैं। सिमिलरली मिसोजिनी, तो हम क्या बोलते हैं जो इंसान लड़कियों से या फिर औरत प्रजाति जो है उससे नफरत करता हो, ठीक है। सो इसी तरीके से रूट वर्ड्स के थ्रू आप लोगों को इस बुक में पढ़ाया गया है। इसके अलावा आप लोगों को वॉकअप में क्या करना है कि एक नोटबुक जरूर मेंटेन करिए। आगे के स्लाइड्स में दिखाऊंगी, मैंने खुद की भी नोटबुक किस तरीके से रखी हुई थी और उसके कुछ पेजेस भी आप लोगों को दिखा दूंगी। अब यहाँ पर आपको सिर्फ वही चीजें लिखनी है जो आपको नहीं आती। अगर आपने ऐसी चीजें भी नोट कर ली जो आपको आती है, या फिर आपने कहा चलो नीतू सिंह बुक में से मैं नोट्स बना लेते हैं या फिर ब्लैक बुक में से नोट्स बना लेते हैं, देन डेफिनेटली आप अपना बहुत ज्यादा टाइम किल कर दोगे और रिवाइज करने के टाइम पे आपके पास में खुद की बुक बन जाएगी। हमें बुक नहीं बनानी है, हमें नोटबुक एक छोटी सी कॉपी बनानी है जिसमें सिर्फ वही चीजें आप लोगों की लिखी हो जो आपको पहले से नहीं आती या फिर जिनके आने के चांसेस बार बार है, तो आप वो चीजों को लिखो। ओके, फिर इसके बाद है राइट वर्ड्स विच आर न्यू एंड यू डोंट नो देम फ्रॉम PYQ। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो इसमें से भी आपको सिर्फ वही वर्ड्स नोट करने हैं जो या तो नए हैं, जो आपने पहले से नहीं पढ़े हैं, या फिर आपको नहीं पता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि मैं रोज 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms और वर्ड्स करती थी, वही चीज आप भी सेम करोगे देन डेफिनेटली आपको फायदा होगा, और ये फायदा आप लोगों के जो आप मॉक टेस्ट दोगे उनमें भी रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। फिर एक चीज जो मैंने करी थी वो ये है, कई बार क्या होता है कि हमने डे वन पे मान लीजिए 20 ईच जो जो चीजें हैं वो सब कर ली, ठीक है, 21 वर्ड, 20 idioms, 20 synonyms, antonyms। अब क्या हुआ डे टू पे हमने फिर से अगले 20-20 करे, लेकिन जो फर्स्ट डे के हैं वो रिवाइज नहीं करे। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको पुरानी चीजें भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी रोट लर्निंग है, रोट लर्निंग में आपको रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेकंड डे पे आप पहले फर्स्ट डे की चीजों को रिवाइज करो, फिर सेकंड डे का पढ़ो। हो सकता है आपको ऐसा करने में ज्यादा टाइम लग जाए, बट दैट इज कम्प्लीटली वर्थ इट। फिर जब आप थर्ड डे पढ़ रहे हो तो फर्स्ट डे और सेकंड डे आपने जो जो पढ़ा है 20-20 ईच उसको रिवाइज करो। आपको सिर्फ सेकंड डे का नहीं बल्कि यहाँ पर फर्स्ट डे का भी रिवाइज करना है। हफ्ते में एक दिन आप लोग जरूर, चाहे तो आप संडे को ऐसा रखिए जिसमें आप कुछ भी नया मत पढ़ो, आपने जो सारे दिनों में याद करा ना वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर रिवाइज करो। इसके अलावा एक चीज आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए ये एक बुक है, इसमें आपके 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 20 वर्ड्स दिए हैं। तो मैं क्या करती थी, जैसे सेकंड वर्ड है ये मुझे नहीं आ रहा या मुझे याद नहीं है, तो मैं सिर्फ उसको मैंने सर्कल कर लिया, ठीक है। फिर जब मैं डे टू पे रिवाइज कर रही हूँ तब मुझे ये वर्ड याद आ गया तो मैंने इसके सर्कल को हटा दिया या फिर क्रॉस कर दिया, कुछ भी इस तरीके से, पेंसिल से अगर आप करोगे तो इरेज कर सकते हो। तो इस तरीके से करो, जो याद नहीं हो रहा है उस पर सर्कल कर लो, क्रॉस जो भी करना है टिक कर लो, और नेक्स्ट डे यदि आपको वो याद होता है तो उसको आप लोग क्रॉस कर सकते हो। अगर याद नहीं हो पा रहा तो उस पर डबल टिक मार्क लगा लो, जिससे कि आपको याद रहे कि इस वाले को मुझे ज्यादा बार पढ़ना है क्योंकि मैं इसे अपनी मेमोरी में, रिटेंशन में नहीं रख पा रहा हूँ। ओके, और कोशिश करो कि ये जो वॉकअप वाला पोर्शन है वो आप सुबह ही कंप्लीट कर लो, जिससे कि आपका जो रटने वाला काम है वो सुबह के सुबह निपट जाए और फिर बाकी का आप दूसरी चीजों पे अपना ध्यान दे सको। क्योंकि हमें सिर्फ वॉकअप नहीं करनी है, हमें ग्रामर करना है, रीडिंग करना है, देन ये सिर्फ एक सब्जेक्ट हुआ, हमें रीजनिंग करना है, फिर GS करना है, मैथ्स करना है। मैथ्स में सबसे ज्यादा आपका टाइम जाएगा और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और टफ भी होती है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। सो हम उसके बारे में अगली स्लाइड्स में बात करेंगे, लेकिन हमें मेन कोशिश ये करनी है कि वॉकअप का काम हम लोग सुबह ही खत्म कर लें। ओके, सो अब हम बात करते हैं ग्रामर की। सो ग्रामर मैंने किस तरीके से कंप्लीट करा,
नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम वन बुक है उससे, उसमें आपके सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं और बिल्कुल उसी तरह से दिए हैं जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी मैंने इसका जो रीसेंट वॉल्यूम आया है नया वाला वो देखा है। अगर आपके पास में पुरानी बुक है देन दैट्स फाइन, अगर नहीं है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग जो नया वॉल्यूम आया है रीसेंट वन जो एकदम नया अभी पब्लिश हुआ है, आप लोग उसको ज़रूर बाय करो, क्योंकि उसमें और भी ज़्यादा इन्हांस करके चीज़ें दी हुई हैं। जो पहले था उस इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया है और एकदम नए क्वेश्चंस इसमें दिए हैं जो अभी TCS पूछ रहा है। सो यदि पहले से भी है तब भी आप ले सकते हो, ऑब्वियसली बुक तो काम आएगी, सही प्रीलिम्स में भी काम आएगी, मेंस में काम आएगी और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है। तो इस रीसेंट वाले जो एडिशन है उसको ज़रूर लेना। और एक बार ये भी कर सकते हो कि बुक शॉप पे जाके पहले चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि मेरे वजह से आप ले लो और फिर कहो यार ये तो काम की नहीं लग रही है, बाकी काफ़ी अच्छी बुक है ये। फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, अगेन वही 18, 19, 20, 21 के 4 साल के क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग अच्छे से करो। देखिए एक बार क्या होता है ना कि SSC कई सारे क्वेश्चंस हैं, उसका तरीका फिक्स है कि वो उसी तरीके से उन क्वेश्चंस को पूछता है। जैसे कि आपको इन जनरल लगेगा कि यार इसमें कोई एज सच मिस्टेक नहीं दिख रही, लेकिन SSC को पता है कि ये पर्टिकुलर मिस्टेक इस क्वेश्चन में है, और वो आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के दे लोगे। ओके सो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एक तरीके से रामबाण है हमारे पास में एग्जाम को क्लियर करने में। और मुझे लगता है कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बहुत कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे और यही मेन रीजन था। फिर हम नीतू सिंह मैम की बुक की यदि बात करें तो इसमें आपको क्या करना है कि एक चैप्टर जो है वो 2 से 3 दिन में खत्म कर लो। अगर आपकी इंग्लिश ज्यादा वीक है तो आप लोग 4 या 5 दिन भी ले सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप लोगे तो फिर हमारे सारे चैप्टर्स जो है वो खत्म नहीं हो पाएंगे। सो कोशिश करो 2 से 3 दिन या 4 दिन में एक चैप्टर को आप लोग खत्म कर लो। फिर उसके बाद वहीं पर बुक में ही उस पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपने उनको मिस कर दिया तो हो सकता है आप एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स भी मिस कर जाओ। अब क्या करना है, जैसे आपने मान लीजिए एक्टिव पैसिव का चैप्टर पूरा पढ़ लिया, सो अब एक्टिव पैसिव जो है ना, यहाँ पर आप लोगों को इकट्ठे मान लीजिए 100 क्वेश्चंस दिए हैं, 100 क्वेश्चंस एक बार में नहीं करने हैं, क्योंकि तब आप लोगों की रीसेंट मेमोरी में रहेगा कि इसमें ऐसा ही आंसर आएगा। आपको क्या करना है, रोज आप 10 से 15 क्वेश्चंस करिए, इससे ज्यादा मत करना, नहीं तो जल्दी से खत्म हो जाएंगे क्वेश्चंस। और मैं चाहती हूँ कि कम से कम आप लोग 10 दिन तो एक चैप्टर को पढ़ो, यानी कि 10 दिन उसकी प्रैक्टिस जरूर करो। सो 10 से 15 क्वेश्चंस आर सफिशियंट, इससे ज्यादा मत करना। जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है उस क्वेश्चन को सिर्फ टिक कर लेना, जिससे कि जब आप लोग रिवाइज करोगे ना एग्जाम के 2-3 दिन पहले कुछ ना कुछ रिवाइज तो करोगे, तो आपकी जो नोटबुक है एक तो वो काम आएगी, दूसरा जिन क्वेश्चंस पे आपने टिक कर रखा है वो क्वेश्चंस काम आएंगे। क्योंकि एग्जाम के 2-3 दिन पहले आप 100 एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन, 100 नरेशन के क्वेश्चन, 1000 वॉकअप तो रिवाइज नहीं कर सकते। उस टाइम पे ये जो क्वेश्चन जिन पे आपने टिक करा है वो काम आएंगे कि ये क्वेश्चन मुझे देखने हैं। ओके फिर यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी है कि सारे ही क्वेश्चंस एक गो में मत करो। अब यहाँ पर एक और चीज है, सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे मॉक टेस्ट के फॉर्म में, और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी करेंगे। अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट के फॉर्म में नहीं मिलते तो PDF आप लोगों को हजारों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करो और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर नए हो तो बिना टाइम के सॉल्व करो, और अगर पुराने हो पहले भी एग्जाम दे चुके हो तो टाइमर लगा के आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। सो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ उन क्वेश्चंस को नोट करा जो मुझे लगे कि ये नए क्वेश्चंस हैं या फिर ये क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे अपने दिमाग में रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोगों के नरेशन में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में अगर हमारे कंडीशनल्स आ जाते हैं, जैसे कि इफ आई वर अ बर्ड, ये अगर आप लोगों का दे दिया नरेशन में तो ये चेंज नहीं होता है। अब ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप गलत कर दोगे, इफ आई हैड बीन अ बर्ड कर दोगे। इसके अलावा जैसे कि आपके वुड रेदर होता है, ठीक है, या फिर हैड बेटर होता है, ये भी चेंज नहीं होते। आई यूज टू, अगर आप लोग प्रीवियस अपनी बचपन की कोई याद बता रहे हो, आई यूज टू टेक बाथ इन द मॉर्निंग, सो ये है नरेशन में तो ये चेंज नहीं होगा, ये आई यूज टू ही लिखा होगा, ठीक है। सो ये वाली जो चीजें है ना ये आप लोगों को याद रखने रहेंगे, तो इन चीजों को आप लोग अपने नोटबुक में लिख के रख लो, अदरवाइज रिवाइज करने के लिए आपको कुछ नहीं बचेगा। सारे एक्टिव पैसिव आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। अब आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। ओके तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था अपनी कॉपी के कुछ पेजेस दिखाऊंगी, सो यहाँ पर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट पेज भी लिखा हुआ है, ठीक है।
सो यहाँ पर जैसे कि जो भी चीज मुझे इंपॉर्टेंट मिली, चाहे वो मॉक टेस्ट से मिली हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिली हो या फिर कोई ऐसी बुक जो कि मैं डेली नहीं पढ़ती वहां से मिली हो, सो वो सारी चीजें मैंने लिख ली। जैसे कि मदर सेड टू सन, मे गॉड ब्लेस यू, सो इसका पैसिव क्या होगा वो मैंने, सॉरी इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, मदर विश्ड सन दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। सो यहाँ पर मैंने लिखा है नीचे कि टू नहीं आएगा, मदर विश्ड टू हिम नहीं होगा, मदर विश्ड सन होगा। ओके, टू हट गया यहाँ से। सिमिलरली शुड बी ब्लेस्ड इज नॉट करेक्ट, ये इसलिए लिखा होगा क्योंकि एक और ऑप्शन होगा उसमें दिया होगा कि मदर विश्ड सन दैट ही शुड बी ब्लेस्ड करके। ओके, सिमिलरली बार्न का मतलब क्या होता है, अ लार्ज बिल्डिंग फॉर ग्रेन स्टोरेज। तो ऐसा नहीं है कि आप जो ग्रामर है वो किसी अलग नोटबुक में लिख रहे हो, वॉकैब किसी अलग नोटबुक में लिख रहे हो, एक ही नोटबुक बनाओ इंग्लिश के लिए, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी लिखते चले जाओ। ओके, कट मी सम स्लैक, इसका मतलब होता है डोंट बी सो क्रिटिकल। ओके, द एक्सीडेंट सीम्ड टू हैव हैपेंड, ना कि टू हैपन, यानी कि ऐसा नहीं लिखेंगे द एक्सीडेंट सीम्ड टू हैपन, सीम्ड टू हैव हैपेंड, ये सही होता है तरीका लिखने का। ओके, क्योंकि यहाँ पर कल की बात हो रही है। ओके, पास्ट में चल रहा है तो कल की बात हम कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट हुआ था। ओके, सो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को कहीं से भी मिले उनको एक जगह पे नोट कर लो, खासकर इंग्लिश में। अब हम बात करेंगे रीडिंग पोर्शन की। देखिए, रीडिंग में दो तरीके की चीजें हो सकती हैं, या तो आपकी रीडिंग अच्छी हो या फिर आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं हो, जो कि ज्यादातर हिंदी मीडियम वाले स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं उनके साथ में होता है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है देन आप लोगों को सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रीडिंग सेक्शन के। रीडिंग सेक्शन कौन सा हो गया, एक आपका आरसी हो गया, देन आपका क्लोज टेस्ट हो गया। आजकल ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट आ रहे हैं अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो। और ऑब्वियसली आपका टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि आप प्रीलिम्स क्लियर करो, बल्कि आपको मेंस क्लियर करना है, देन टायर थ्री, देन टायर फोर एंड इवेंचुअली जॉब तक पहुंचना है। तो आप अभी से ही रीडिंग वाले पोर्शन को अपना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, क्योंकि जो रोट लर्निंग वाली चीजें हैं वॉकैब हो गया वो आप लोग रट लोगे आप सही कर लोगे। सिमिलरली ग्रामर के भी अगर आपने रूल्स रट लिया वहां पे ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी समझने की शक्ति इंग्लिश को इतनी अच्छी नहीं है देन आरसी, क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल, यहाँ पे आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्पेशली मेंस की अगर हम बात करें तो। प्रीलिम्स में हो सकता है आप इन टॉपिक्स को ना भी करके निकल जाओ, कट ऑफ क्लियर कर लो, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाओ। इसीलिए अपनी इंग्लिश इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर गुड एट इट और वेदर यू आर वीक एट इट, आप लोगों को जितना ज्यादा इसे अच्छा हो सके वो करना है। ओके, सो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपको लगेगा यार इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, या फिर इसके दोनों ठीक आंसर हैं, तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि एसएससी किस हिसाब से सोच रहा है या टीसीएस किस हिसाब से सोचकर उस पर्टिकुलर चीज को सही करार दे रहा है। तो ये वाली चीज आप कब कर पाओगे, जब आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आप समझ पा रहे होगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे और फिर उन आंसर्स के पीछे की रीजनिंग को समझने की कोशिश करोगे, खासकर क्लोज टेस्ट में और पैरा जंबल में। पैरा जंबल में बहुत बार ऐसा होता है कि दो आंसर्स ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन एसएससी किसी एक को ही ठीक मान रहा है तो वो क्यों मान रहा है, तो उस तरीके की क्वेश्चन अगले बार भी रिपीट होंगे, तो उनकी रीजनिंग को समझने की कोशिश करना। ओके, जस्ट लेट मी हैव अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। अब सेकंड केस आपके साथ में ये हो सकता है कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो, आप उसमें वीक हो, बट इसमें कोई बात नहीं, वीक हो तो हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे, पहले आप लोग बेसिक नॉवेल्स पढ़िए। बेसिक चीज जब तक आप लोग पढ़ नहीं पाओगे तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जो टफ लेवल के आरसीज हैं या जो क्लोज टेस्ट हैं उनको समझ पाओ। सो पहले कुछ भी बेसिक सी नॉवल उठा लीजिए, जैसे कि अभी मेरे पास में एक नॉवल रखी है, लेट मी शो इट टू यू, जस्ट अ सेकेंड, आई एम सो क्लम्सी विद थिंग्स। जैसे कि राइट नाउ आई एम रीडिंग दिस नॉवल, दिस इज वेरी बेसिक। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यही सेम नॉवल पढ़ो, आप कोई भी ऐसी चीज पढ़ो जो एकदम बेसिक हो और आपको वो समझ में आ रही हो। ओके, एक बार जब आप नॉवल्स को समझने लगोगे ना, एक और दिखाती हूँ, ये देखिए एटॉमिक हैबिट्स, काफी अच्छी नॉवल है, आप इसको पढ़ो, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। और साथ में जो भी जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर एस्पिरेंट्स जो हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी नॉवल है। तो आप पहले नॉवल्स पढ़ो, उसकी इंग्लिश आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, फिर आप एक एडिटोरियल डेली पढ़ो, ठीक है, कोई भी एडिटोरियल आप किसी भी न्यूज़पेपर का पढ़ो। एसएससी का एग्जाम है, कोई बैंकिंग या फिर कैट का या यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि आपको द हिंदू पूरा पढ़ना है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी एक एडिटोरियल आप पढ़ लो, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश की कंप्रेहेंशन पावर है वो धीरे धीरे बढ़ती जाए। ओके, देन मेरा थर्ड पॉइंट है, प्रैक्टिस फाइव टेस्ट, फाइव सेट्स ऑफ क्लोज टेस्ट
एंड 10 सेट्स ऑफ पैरा जंबल। देखिए प्रीलिम्स के एग्जाम को फोकस करते हुए मैंने आपको ये दिया है कि आप लोग डेली 5 सेट क्लोज टेस्ट के करो और 10 सेट आप लोग पैरा जंबल के करो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके देखो क्लोज टेस्ट से लगभग 5 क्वेश्चंस बनते हैं, पैरा जंबल से 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 25 में से 6 से 7 क्वेश्चन आपके सिर्फ रीडिंग के पोर्शन से आ रहे हैं, तो आप उसको छोड़ना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आप इसमें 100% एक्यूरेसी तब लाकर आ पाओगे जब आप उसको कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे। सो इसीलिए आपको 5 सेट क्लोज टेस्ट के रोज प्रैक्टिस करने हैं, चाहे आप किसी भी ऐप से कर लो या फिर आप प्रीवियस ईयर के कर लो, ठीक है, आप वो कहीं से भी कर सकते हो या फिर कोई क्विज लगा लो, ठीक है, तो लेकिन करने आपको जरूर है। चलिए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथ्स के सेक्शन की। मैथ्स भी अब देखिए 50 नंबर का आता है आपका प्रीलिम्स में, 200 नंबर का आता है आपका मेंस में, तो टोटल 700 में से 250 नंबर का आपका मैथ्स आ रहा है। दैट मींस कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये आई एम श्योर कि जो भी इंसान तैयारी कर रहा है उसको पता होंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे पर्सनली लगते हैं अर्थमेटिक में आपका परसेंटेज और रेशो। आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको परसेंटेज और रेशो पे अच्छा कमांड है तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस भी आराम से कर लोगे। फिर उसके बाद मिक्सचर, पार्टनरशिप, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अगेन परसेंटेज और रेशो से ही आप लोगों का सॉल्व हो सकता है। अगर आपको पता है कि प्रॉफिट आपका कॉस्ट प्राइस पे होगा, डिस्काउंट आपका किस पे लगता है, मार्क्ड प्राइस पे लगता है, तो आप आराम से परसेंटेज और रेशो की मदद से प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक भी कंप्लीट कर सकते हो। फिर आपके आगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट भी आप परसेंटेज अगर आपको अच्छा आता है, रेशो अच्छा आता है, तो यहाँ से कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को मैथ्स के टॉपिक मैथ्स के सेक्शन के लिए करनी है। देखिए अब जो मैथ्स का पेपर है, स्पेशली मेंस का जो पेपर है, वो आप लोगों का बहुत ज्यादा कैलकुलेशन सेंट्रिक हो चुका है। सो अगर आप लोगों को कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, सो 1 से लेकर 25 तक पहले तो आप लोगों को टेबल्स आनी चाहिए, ठीक है। टेबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पर भी आप दीवार पर एक चार्ट लगा लो टेबल्स का, उसको डेली देखो, ठीक है। क्यों आनी चाहिए? अगर वहां पर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें लिखा है 187 × 26 या फिर × 23, अब अगर आपको 23 की टेबल आती होगी तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 161 फिर 16 कैरी फिर 23 8 आप डायरेक्ट लगाओगे, 3 24। अगर आप लोगों को नहीं आता तो आपको 3 × 8 8 3 24 फिर 4 फिर 2 की कैरी ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको टेबल आती है तो आप डायरेक्ट 23 7 161 करके और आगे बढ़ जाओगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को 25 तक का टेबल आता हो। इसके अलावा क्या आना चाहिए आपको? क्यूब्स आने चाहिए। कहाँ तक के? मेरे हिसाब से 30 तक के आने चाहिए। स्पेशली ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप लोगों को जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको क्यूब की जरूरत पड़ जाती है जब वो 3 ईयर से कंपाउंडिंग हो रही होती है। तो 30 तक के आप लोग क्यूब्स याद कर सकते हो। इतना नहीं हो पा रहा है तो 20 तक तो एटलीस्ट आप लोग करके ही रखो, ओके? फिर इसके बाद अगर हम बात करें स्क्वायर्स की, तो स्क्वायर्स आप लोगों को 50 तक याद होने चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें याद है तो आपको एग्जाम में नहीं निकालना पड़ेगा, आप समझ रहे हो। अगर आपको 43 का स्क्वायर पता है तो आपको एग्जाम में मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना पड़ेगा, या फिर ऐसे 3 3 9 फिर 4 3 12 2 24 फिर 2 16 17 18 ये नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट 43 1 8 4 9 आप लिख के आगे बढ़ जाओगे, ओके? सो इसीलिए जो आप लोग कैलकुलेशन पार्ट है ये अपना स्ट्रॉन्ग करो। इसके साथ ही आप लोगों को एक चीज और करनी है, वो ये है कि डेली आप लोग कैलकुलेशन इस तरीके से प्रैक्टिस करो, 893 × 67 ये एक लिख लिया, ठीक है, 57832 × 17 इस तरीके की कैलकुलेशन आप लोग डेली करो लगभग 15 से 20 मिनट। उससे क्या होगा, और फिर कैलकुलेटर से चेक कर लो। जब आप रोज ये चीज करते जाओगे ना, आप देखना धीरे धीरे विद इन 1 वीक आपको जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, अपनी कैलकुलेशन फास्ट होती हुई दिखेगी। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं आते हैं प्रीलिम्स में, तो वो वाला टॉपिक आप छोड़ सकते हो। बाकी ये सारे टॉपिक्स तो हमको कवर करने ही हैं, तो ये तो लाइक देयर इज नो अदर सॉल्यूशन फॉर दिस वन कि आप लोग ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये तो मतलब सोल है हमारे मैथमेटिक्स का, तो ये वाले टॉपिक्स। फिर एक क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से आता है, ठीक है, ट्रेन्स हो गए एंड बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स हो गया, ये सारे आपके TSD में आ जाते हैं। तो जब भी आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो उसके साथ ही इसको कपल कर लो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को, ये दोनों टॉपिक हमको एक साथ में कवर करने हैं, ठीक है। परसेंटेज, रेशो, मिक्सचर, पार्टनरशिप, ये चारों टॉपिक एक बार में कवर करो। फिर इन्हीं के साथ में प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर लो, एवरेज थोड़ा सा अलग हो जाता है। सो ये सारी चीजें हमको करनी है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बुक्स बता रही हूँ, जैसे मैंने इंग्लिश में आप लोगों को नीतू सिंह मैम की बुक बताई। अच्छा, मेंस के लिए मैं आप लोगों को एक MB पब्लिकेशन की बुक बोलूंगी। प्रीलिम्स के लिए भी आप ले सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस सेट इसमें से लगाने हो।
अगर आपके पास में ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है किसी भी वेबसाइट का जहाँ पे बहुत सारे टेस्ट मिल रहे हो, तो फिर आपको इस बुक की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें वही है प्रैक्टिस सेट्स ही दिए हुए हैं, लेकिन आप लोग फिर भी ये बुक ले सकते हो। मैंने इसको मेंस के लिए रेफर करा था, प्रीलिम्स के लिए नहीं करा था। अब हम बात कर रहे हैं मैथ्स की बुक्स की। सो ये तीनों तो आई वुड से कि ग्रंथ हैं एक तरीके से हमारे मैथ्स का। जैसे कि SSC के लिए पहला हो गया आपका अर्थमेटिक मैथ्स, ये राकेश यादव सर की बुक है। इसमें बहुत अच्छे से अर्थमेटिक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत पुराने दिए हैं, आप इतने पीछे के क्वेश्चंस मत करना, जो रेलेवेंट क्वेश्चंस लगे वो करना, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बुक बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद सिमिलरली इनकी एक और बुक आती है एडवांस मैथ्स के लिए, सो ये बुक भी आप ले लो। इसके अलावा अगर अब इतना टाइम नहीं है कि आप ये सारी बुक्स को सॉल्व कर पाओ तो इनको रहने देना, फिर आप ये वाली बुक ले लेना, पिनाकल की, बहुत ज्यादा अच्छी बुक है। इसमें आपके जब से TCS आया है ना, ऑल TCS क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम्स टिल सितंबर 2021। अब हो सकता है इसका एक और नया एडिशन आया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन 2021 तक के आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, विच इज वेरी गुड, क्योंकि इतनी अपडेटेड बुक बहुत कम देखने को मिलती है। और यहाँ पर इसके जो सोल्यूशंस हैं वो भी अच्छे दिए हुए हैं, और इसमें TCS के ही क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि 1951 का 19 सॉरी, ऐसा नहीं है कि 1998 1999 के जो SSC के पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस दिए हैं। सो इतने पुराने करने की आपको जरूरत भी नहीं है। सो इस बुक में यहाँ पर आप देख सकते हो 90 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हो ना, जैसा इसमें कहा है वैसा भी प्रिपेयर करते हो, तब भी आपका एग्जाम के पहले कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 90 डेज को शॉर्ट करके 70 डेज में कर लेना। इसमें डे वन ऐसे इसकी जो प्रिपरेशन है ना, वो डे वन डे टू डे थ्री इस तरीके से आपको दिया है कि इस दिन ये करो इस दिन ये करो, ओके। और आगे कुछ फॉर्मूला भी दिए हुए हैं तो आप वहां से पढ़ सकते हो। अगर आप लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, लेट्स से एक साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बुक आप लोगों को डेफिनेटली अच्छे से कर लेनी चाहिए और आप बहुत जल्दी से सॉल्व भी कर पाओगे। अगर आपने नई प्रिपरेशन शुरू करी है तब भी ये बुक ले लेना, एटलीस्ट आपको पुराने क्वेश्चंस एक जगह पे कंपाइल होकर मिल जाएंगे, आपको 15 अलग अलग जगह से PDFs को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। अब आगे देखते हैं। अब मैं आपके साथ में कुछ टिप्स डिस्कस करूंगी मैथ्स के टॉपिक को कवर करने के लिए। मेरा मैथ्स का पर्टिकुलरली अगर मैं खुद की बात करूं तो सेक्शन काफी वीक था, आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथ्स। मेरे नंबर से भी आपको पता चल रहा होगा 146.5 मार्क्स थे, जबकि इस बार 180 स्कोर आ रहा है। सो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है मैथ्स में, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाते हो, आपकी ऑब्वियसली चीजें वही आती हैं, कॉन्सेप्ट्स वही आते हैं, कोई बहुत ज्यादा नए कॉन्सेप्ट्स SSC नहीं पूछता है। सो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप अपने आप देखोगे कि आप अच्छे होते जा रहे हो उसमें, ठीक है। सो सबसे ज्यादा टाइम मैंने जब अपनी प्रिपरेशन करी थी तो मैथ्स को ही दिया था, बिकॉज इंग्लिश का सेक्शन मेरा अच्छा था, सो वहां पे ज्यादा टाइम नहीं जा रहा था, तो जो टाइम मैं वहां देती वो टाइम मैं मैथ्स को दे रही थी। लेट्स से अगर आपकी मैथ्स अच्छी भी है, तब भी अगर आप 1 से 2 घंटे इंग्लिश को दे रहे हो, तो आई वुड से कि लगभग 3 to 4 hours आप लोग मैथ्स को जरूर दो, ओके। फिर यहाँ पे आप लोग अच्छे से नोट जरूर बनाना, खासकर एडवांस मैथ्स के, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे ना, तो लास्ट के 2-3 दिन जब एग्जाम के बचते हैं तो आप लोगों को रिवाइज करने के लिए कुछ नहीं होगा। एक कॉपी आप लोग फॉर्मूले की अलग से जरूर बनाना, कोई भी आप छोटी सी कॉपी ले सकते हो 20-25 रुपीज की। उस कॉपी में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, खासकर आपके ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, ज्योमेट्री के, देन मेंसुरेशन के, और हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं नंबर सिस्टम के, वो सारे एक जगह पे लिख के रख लेना। और अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा के, कि जैसे कि x+1/x अगर इतना है, लेट्स से k है, तो फिर x5+1/x5 कितना होगा। तो ये आप लोगों को इसको डिराइव नहीं करना होगा एग्जाम में, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप तुरंत उसको लिखोगे कि कैसे करना है इसको। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं या इस तरीके के जो भी फॉर्मूला है और जो भी डेरिवेशन है, वो आप लोग एक अलग से नोटबुक में लिख के रखना, सो दैट जब आपका एग्जाम हो तो आप उनको क्विकली रिवाइज कर सको चीजों को। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में जाते जाते भी हम लोग पहले कुछ रिवाइज कर रहे होते हैं, तो ये वो वाली चीजें होनी चाहिए, ओके। जस्ट कंप्लीट योर कॉन्सेप्ट्स वंस एंड देन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये नहीं होना चाहिए, जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रही थी और जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो व्हाट आई वाज डूइंग रॉन्ग कि मैं सिर्फ पढ़ती जा रही थी चीजों को, अलग अलग टीचर्स के कोर्स ले लिए और उनको बस कंप्लीट ही करती गई। सो आई स्टिल रिमेंबर मेरा 18 नवंबर को पेपर था और 13 या 14 नवंबर तक मैं कोर्स ही कंप्लीट कर रही हूँ, वीडियोज ही देख रही हूँ। तो इससे क्या होगा, वीडियोज तो देख रहे हो, यानी कि आप चीजें तो बहुत सारी नई नई सीखते जा रहे हो, लेकिन जब आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लो और फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। आपका एक मॉक टेस्ट आपको जितनी ज्यादा हेल्प करेगा ना, उतने आपको 5 से 6 लेक्चर्स भी हेल्प नहीं करेंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वीडियोस देखो ही मत, एक बार देख के कोर्स कंप्लीट करो और आगे बढ़ो, चीजों को पढ़ते जाओ। कई बार ऐसा होता है टीचर्स बहुत ज्यादा चीजें पढ़ा देते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारा कोर्स कवर करना होता है, एंड दे वॉन्ट टू
भी लाइक कि ऐसा ना हो कि मैं कोई चीज छोड़ दूं जिससे कि फिर बच्चे कंप्लेन करें कि आपने ये नहीं पढ़ाया और ये एग्जाम में आ गया। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उनको छोड़ दो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन भी आएगा तो एक आएगा, और अगर आपका वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप वो कर नहीं पाओगे। तो वेरी हाई लेवल क्वेश्चन जो है स्पेशली प्रीलिम्स में तो मत ही करना, क्योंकि एक क्वेश्चन से आप ऐसा नहीं होगा कि सीधे बाहर हो जाओगे, बल्कि अगर आप उस एक क्वेश्चन को करने के लिए बैठ गए तो हो सकता है आप तीन चार क्वेश्चन जो ईजी ईजी हो वो ना कर पाओ। ठीक है, सो बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस पे अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आप हमेशा से 90-95% स्कोर करते आ रहे हो मैथ्स में, देन इट्स फाइन। लेकिन अगर आपकी मैथ्स मेरे जैसी है, लाइक बहुत ही एवरेज है, इतने मार्क्स के लायक है, तो फिर आप इतने ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट्स को मत पढ़ो। ओके, नो, कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जब आप सुबह उठ के इंग्लिश में वॉकअप का पोर्शन कर रहे हो, उसके तुरंत बाद 15 मिनट अपनी कैलकुलेशन कर लो, एंड यू आर डन विद दीज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, राइट। फिर उसके बाद PYQ डिलीजेंटली करने हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। 80-90% जो आप लोगों का पेपर आता है वो प्रीवियस ईयर से ही आता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करा था तो सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले अटेम्प्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे प्रीवियस ईयर के ही। ऐसा नहीं था कि मेरी मैथ्स एकदम से बहुत चमत्कारी रूप से अच्छी हो गई थी, लेकिन वो हो गया। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिए। ओके, आई कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन दिस इनफ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक की। सो रीजनिंग में दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप उसमें अच्छे हो या फिर आप उसमें अच्छे नहीं हो। अगर आप अच्छे नहीं हो तो एक बेसिक सा कोर्स लेके कोई भी 20-25 वीडियोस का एक बार सारे टॉपिक्स को समझ लो, कंप्लीट कर लो, एंड देन क्वेश्चंस को करना शुरू करो। अगर आप अच्छे हो तो फिर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट कर लो। ठीक है, मॉक टेस्ट करते जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स मिलते जा रहे हैं उनको एक जगह पे नोट कर लो। कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लड रिलेशन भी नोट कर रहे हो कि मम्मी के पति के पापा के चाचा के लड़के को क्या कहा जाता है। अगर आप इतने बेसिक चीजों को नोट करने लगोगे देन आपको 2-3 साल लग जाएंगे एग्जाम को क्लियर करने में, और फिर उसके भी 2-3 साल ज्वाइनिंग आने में। सो उससे ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को नोट करो जो कि थोड़े से टफ है, जैसे कि क्लॉक है। क्लॉक वैसे एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, इनकेस आपकी शिफ्ट में आ गई तो ये मुश्किल से 1 घंटे का टॉपिक है, आप इसे कवर कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आ गया और छूट गया। सिमिलरली कैलेंडर का क्वेश्चन हर शिफ्ट में नहीं आता, कभी कभार एक आध शिफ्ट में आ जाता है, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। सिंपल सा अगर आपसे पूछ लिया कि 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन था, तो ये क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोग कर लेंगे। इसीलिए कैलेंडर भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 1 से 2 घंटे लगेंगे, आप इसको सीख जाओगे। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं, कैलेंडर एसएससी सीजीएल डालना आपको मिल जाएंगे। नाउ सेट थ्योरी का एक क्वेश्चन मेरा जब मैंने 2019 का अटेम्प्ट दिया था तब आया था, और मैं उस क्वेश्चन को नहीं कर पाई थी। सो अब आप लोग उस चीज को पढ़ लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है सारी शिफ्ट में है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में आ सकता है। कैसे क्वेश्चन होते हैं सेट के कि 25% लोगों को टी पसंद है, 20% को कॉफी पसंद है, 15% लोगों को कोला पसंद है, और कुछ लोगों को सब कुछ पसंद है। तो फिर बताओ कि कितनों को क्या पसंद है क्या नहीं है। वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके मैथ्स में भी पूछ सकते हैं और आप लोगों के रीजनिंग में भी पूछ सकते हैं। छोटा सा ही टॉपिक होता है, 1 से 2 घंटे लगेंगे, इसको भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अगर एक आध क्वेश्चन आ गया तो छोड़ने में आपको मजा नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इजी टॉपिक। ओके, अब आप लोगों को नोट्स इसके अलावा किस चीज के बनाने हैं, तो सीरीज के क्वेश्चन के। अगर सीरीज कई बार क्या होता है स्क्वायर के फॉर्म में हुई, के स्क्वायर प्लस के, ठीक है, के स्क्वायर माइनस के, फिर 2k² - 2k, 2k² + 2k। सो सीरीज के अलग अलग पैटर्न जो होते हैं ना वो आप नोट कर लो। ठीक है, या तो आप इतने अच्छे हो कि आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि ये है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ 10-15 जो मेन मेन पैटर्न होते हैं ना, प्लस माइनस के, मल्टीप्लाई के, ठीक है, स्क्वायर के, क्यूब के, वो वाले, या जैसे कि (3+4)(4+5), ये वाले पैटर्न जो है वो आप नोट करके रख लो। ओके, सिमिलरली जैसे कोडिंग हो गई, अब आपको ये पता होना चाहिए कि n कितना है, n 14 होता है, x कितना है, 24 होता है। तो ये वाली चीजें अगर आपको पता है तो आप जल्दी जल्दी कोडिंग के क्वेश्चंस भी जो अपने होते हैं वो कर लोगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। मेक अ नोटबुक ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड रिवाइज देम। बार बार रिवाइज करते रहोगे चीजें अपने आप ही आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। ठीक है, एंड नोट डाउन ओनली न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दी मॉक। अब देखिए, हमको मैथ्स के तो बहुत ही एक्सटेंसिव नोट्स बनाने हैं, फिर उसके बाद में हमें इंग्लिश के भी नोट्स बनाने हैं। अब अगर आप रीजनिंग के भी बहुत एक्सटेंसिव, बहुत बड़े बड़े नोट्स बनाने लगे ना, तो रिविजन के टाइम पे ग्रंथ तैयार हो जाएगा। तो उससे हमें बचना है और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें ही नोट करना है। ओके, कुछ नए क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तो फिर उन्हें नोट कर लो, सारी चीजों को रीजनिंग में एटलीस्ट नोट मत करना। और इसके अलावा रीजनिंग में 40+ का टारगेट करो, तभी जाके आप
आपके देखिए 30 नंबर आएंगे, 20 नंबर आएंगे, हो सकता है आप कट ऑफ क्लियर कर लो, पर एसएससी में कट ऑफ क्लियर करने से काम नहीं चलेगा, आपको कट ऑफ से थोड़े अच्छे नंबर ऊपर लेकर आने होंगे जिससे कि आप मेंस एग्जाम को कॉन्फिडेंटली दे सको। तो कोशिश करना एटलीस्ट रीजनिंग के सेक्शन में आपके 40+ स्कोर आए, क्योंकि ये अचीवेबल रहता है। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे जनरल स्टडीज के सेक्शन की, जीए की। सो ये जो है ये पेन पॉइंट है आजकल सभी का, सभी एस्पिरेंट्स का, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता है क्या पढ़ें। जो पढ़ रहे हैं उसमें से हो सकता है कुछ भी ना है, जो कभी हमने एक बार कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा था उसमें से आपका एक क्वेश्चन आ जाए। सो यहाँ पर मेरे हिसाब से आप लोगों को मिनिमम एफर्ट देना चाहिए, क्योंकि आप जितना भी एफर्ट दोगे जरूरी नहीं है वो आपके मार्क्स में ट्रांसलेट हो या फिर ना हो। आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड स्टिल आई कुड जस्ट स्कोर 18.75 और 18 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद 2021 में मेरे 23 नंबर आए हैं जीए में। सो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, इसमें आप श्योर नहीं कह सकते हो कि आपके नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। जितना टाइम आप यहाँ दे रहे हो उतना ही अगर आप मैथ्स में दोगे ना तो आपका स्कोर एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। सो कोशिश करो कि जीए में आप करना तो है ही, बिल्कुल छोड़ के तो नहीं जाना। करंट अफेयर्स पे थोड़ा आप अच्छे से ध्यान दो। करंट अफेयर्स के आप जो भी मैगजीन पढ़ रहे हो ना उसको घोट घोट के मत पढ़ो कि किस बैंक का किसके साथ में मर्जर हुआ है, किसी बैंक का क्या कोई बना है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता है, या फिर एमओयूज वगैरह नहीं पूछता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, सरस्वती सम्मान किसे मिला। अब अगर ये हो सकता है आप कभी न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ते हो तो आप ऑप्शंस के माध्यम से ही एलिमिनेट कर लो, या फिर जैसे इस बार जो मेरी शिफ्ट थी उसमें नीरज चोपड़ा का एक क्वेश्चन पूछा था कि चार ऑप्शंस दिए थे और उसमें पूछा था कि कोई एक पर्टिकुलर कंपटीशन थी कि किसने जीता है, तो मैंने सोचा कि नीरज चोपड़ा आजकल न्यूज में, एंड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने टिक कर दिया और वो सही हो गया। सिमिलरली अगर आपको स्पोर्ट्स का शौक है तो 2-3 क्वेश्चंस आपके स्पोर्ट्स से बन ही जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको स्पोर्ट्स पूरा रटना है। ओके, सो जो हाईलाइटेड करंट अफेयर्स हैं वही पढ़ो, सारे मत पढ़ो, खासकर जैसे अपॉइंटमेंट्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, ठीक है, यहाँ से आप लोगों के काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कोई अवार्ड्स हो गए, वहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाली जो चीजें हैं आपको वही ज्यादा से ज्यादा पढ़नी है। इसके अलावा रैंक्स एंड इंडाइसेस जो होते हैं, रैंक्स होती है ना कि इंडिया की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या रैंक है, वहां से आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो सिर्फ हाईलाइटेड जीए हम लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर देखो, उससे ये अंदाजा लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर इसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी, ये दो सब्जेक्ट्स आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके थोड़े आई वुड से कि कर तो सकते हो कम से कम, अगर आपने पढ़ा है। आप लोग लूसेंट की बुक ले लो जो येलो कलर की आती है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, अगर हिंदी मीडियम से हो तो ब्लू कलर की एक बुक आती है लूसेंट की, वो आप लोग खरीद लो। उसमें से हिस्ट्री और पॉलिटी, ये दो सब्जेक्ट्स आप बहुत अच्छे से कर लो, खासकर जैसे पॉलिटी में कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है, या फिर अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इसके अलावा हिस्ट्री में कांग्रेस के सेशन से क्वेश्चन आ गए आपके, ठीक है। कोई नदी थी परुषणी नदी, जो पहले जो नाम था उसको आज के जमाने में क्या कहते हैं, या फिर जो जनपद है महाजनपद है वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री को और पॉलिटी को, ये दो सब्जेक्ट्स आप काफी अच्छे से लूसेंट से कर लो। फिर बायोलॉजी में जैसे आप लोगों के डिसीजेस से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई एक डिसीज का नाम दे दिया, फिर पूछ लिया ये किससे फैलता है, ठीक है, ये एक फंगल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है, इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। फिर विटामिंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कौन सा सॉल्यूबल इन वाटर है, कौन सा सॉल्यूबल इन, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, सो एडेक करके था, ADEK, और फिर बाकी के जो बचे हुए थे वो दूसरे से होता था, ठीक है, बिकॉज मैंने भी ये चीजें रटी हुई थी, ऑब्वियसली मुझे हमेशा से नहीं आता है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोगों के, ठीक है, बहुत ही बेसिक बेसिक। फिर आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, एक फ्लावर के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं, फिर जाइलम और फोलियम, ये फ्लोयम, इनके क्वेश्चंस आते हैं। मुझे सारी चीजें रटी हुई हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, जस्ट क्रैम करना है आपको, और ये सभी के साथ होगा। जो बायो वाला क्वेश्चन स्टूडेंट होगा उसको मैथ्स क्रैम करनी पड़ेगी, ठीक है। फिजिक्स में जो बेसिक बेसिक लॉ होते हैं, न्यूटन के लॉ हो गए, ये जो 3 लॉज हो गए, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, वर्क प्रेशर इनकी SI यूनिट वगैरह हो गई, ये सब याद करना है, ज्यादा नहीं करना है। जब मैं बोल रही हूँ तो आपको लग रहा होगा यार इतना सारा करना है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, सब मिला के कुछ 50 पेजेस का होगा। ओके, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप पढ़ते हो आपको समझ में नहीं आती, जैसे जब आप सेल पढ़ोगे ना, मतलब सेल जो बैटरी वाला सेल होता है उसमें आएगा कि एनोड है, कैथोड है, अब वो सब यार जब हमको स्कूल में समझ में नहीं आया तो अभी क्या समझ में आएगा, तो वो सारी चीजें कंप्लीटली छोड़ दो। केमिस्ट्री में पीछे लूसेंट में जो केमिस्ट्री दी है ना उसके पीछे के 2-3 पेजेस हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को आप लोग जरूर रट लेना, वहां से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। सो ये बात हो गई जीएस की। आप लोगों का कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो बहुत ज्यादा नहीं है तो ज्यादा कॉस्ट भी मत लगाओ, कॉस्ट यहाँ पे टाइम है तो ज्यादा टाइम इसमें मत लगाओ। बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उन पे जितना ज्यादा फोकस करोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। नाउ मेरी फाइनल टिप्स मैं आप लोगों को कुछ देना चाहूंगी,
पहला तो ये है, अटेम्प्ट वन प्रीवियस ईयर पेपर डेली। डेली को बोल्ड में कैपिटल में इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 1 घंटा लगेगा आपको एक मॉक टेस्ट देने में, उसका एनालिसिस करने में भी 1 या 1 से 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन ये आप लोगों को डेली करना है। और अब तो हमारे पास में बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए हैं, 2018 के, 19 के, 20 के और 21 के, 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर है। लगभग 20-20 शिफ्ट है, यानी कि आप लोगों के पास में 70 से 80 पेपर तो यही प्रीवियस ईयर के इकट्ठे हो चुके हैं। सो ये पेपर अगर आप लोग रोज भी एक एक दोगे ना, तब तक आप लोगों का एग्जाम आ चुका होगा। सो ये पेपर आप जरूर दो। जब एग्जाम पास में आए तो एक दिन में 2 पेपर दो, क्योंकि जो पेपर पहले आ चुके हैं ना, जीएस के सेक्शन को छोड़ के जो बाकी के 3 सेक्शंस है ना, वही क्वेश्चंस आपके फिर से रिपीट होने वाले हैं। 80% क्वेश्चंस वही रिपीट होंगे। तो जब हमें पहले से ही पता है कि पेपर ऑलमोस्ट आउट है, तो उस चीज को क्यों छोड़ा जाए। ओके, जब आप लोगों के ये वाले क्वेश्चंस हो जाएं, तो मतलब जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने कंप्लीट कर लो, तो मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट अलग अलग वेबसाइट से देना, जैसे कि अलग अलग क्वेश्चन से आप लोग वो हो सको, क्या मतलब अलग अलग क्वेश्चन को आप लोग देख सको, ठीक है। गिव प्रॉपर टाइम फॉर एनालिसिस। पेपर देने के बाद में उसका एनालिसिस करना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, क्या वो एक सिली मिस्टेक थी, क्या वो आपको आता था, क्या वो आपको नहीं आता था, अगर नहीं आता था तो क्या वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था या फिर कोई इररेलीवेंट कॉन्सेप्ट था। अगर इररेलीवेंट है तो उसको ना ही आप बुकमार्क करना, ना ही अपनी कॉपी में नोट करना, क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन ही है। अगर एक्चुअल एग्जाम में भी आ गया तो भी आप शायद उसे नहीं कर पाओगे, और एक्चुअल एग्जाम में बहुत ही कम इररेलीवेंट क्वेश्चन आते हैं। आते भी हैं तो वो कोई नहीं कर पाता, या कोई 2-4 लोग करते भी हैं तो ऐसा नहीं है। एसएससी में बहुत सारी पोस्ट हैं, सिर्फ 2-4 पोस्ट नहीं है, तब भी आपका वो हो जाएगा। बुकमार्क भी अगर आप कर रहे हो या नोट डाउन भी कर रहे हो, सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चंस को करना, क्योंकि नोट डाउन करने में भी तो टाइम लगता है ना। अगर आप फालतू के क्वेश्चंस को नोट डाउन करोगे तो आपका टाइम कितना वेस्ट होगा, आप ये भी चीज ध्यान रखो। नो, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है एसएससी के या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आपको डेली पढ़ना है, डेली 4 घंटे पढ़ना इस सॉरी डेली 4 से 5 घंटे पढ़ना भी बहुत ज्यादा सफिशियंट है, एज कम्पेयर टू कि आपसे वीकेंड पे 8-10 घंटे पढ़ रहे हो, बाकी दिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने बाकी के दिन कुछ भी नहीं करा तो फिर आप वीकेंड पे वही चीज, जैसे कि अगर आपने पढ़ाई नहीं है तो आप वीकेंड पे कितना कुछ करोगे, या फिर 3 दिन नहीं पढ़ा फिर 4थे दिन कितना कुछ पढ़ोगे, फिर जो आपने 3 दिन पहले पढ़ा होगा उसको रिवाइज करने में ही आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। सो रेगुलर रिविजन करना है हमको, कंसिस्टेंसी जो हमारी है उसको मेंटेन रखना है, और पॉजिटिव बहुत ज्यादा रहना है, क्योंकि एसएससी की जर्नी अपने आप में ही बहुत बड़ी है। तो अगर इस जर्नी में हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे और पेशेंस नहीं रखेंगे तो काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये बैंकिंग एग्जाम्स की तरह नहीं है कि 6 महीने के अंदर प्री मेंस इंटरव्यू और रिजल्ट आ जाए। यहाँ पे हो सकता है 6 महीने आपके प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही लग जाएं। ऐसा ही हुआ था 2019 में, ऑल्दो उस समय कोविड भी था, सो वी कैन नॉट ब्लेम एसएससी कम्प्लीटली, लेकिन ये हम बहुत लंबी एक जर्नी है। सो इसलिए पेशेंस रखना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने मोटिवेशन को हाई रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ ही मैं आपसे बोलूंगी दैट वर्क हार्ड, बी पॉजिटिव एंड हैव पेशेंस इन योरसेल्फ। ओके, सो इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो खत्म होता है, एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। सो जो भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करो, साथ ही साथ ऑल बोर्ड के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि किस तरीके के वीडियोस मुझे और आगे लेकर आने चाहिए जो आप लोगों को हेल्पफुल रहे। ओके, इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड यस, वर्क हार्ड एंड हैव पेशेंस एंड बी मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव। बाय।